मॉनसून में अब की बार बारिश यूपी के 13 जिलों में ही खूब हुई है। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव समेत 16 जिले बारिश को तरस गए हैं। इन जिलों में लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मॉनसून को लेकर नई जानकारी सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून धीरे धीरे सभी जिलों की ओर आगे बढ़ रहा है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, प्रतापगढ़ और साथ ही इटावा सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिजनौर, बदायूं, लखीमपुर खीरी और साथ ही कई अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव सहित 16 जिलों में 50 से ज्यादा दिनों के दौरान कुल 12 से 13 दिन ही अच्छी बारिश हुई है। 1 जून से 24 जुलाई तक इन जिलों में बारिश 40 से लेकर 60 फीसदी तक कम हुई है। इसकी वजह मानसूनी हवाओं की मुख्य धारा का यूपी के ऊपर से खिसकना है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है, आइए चलिए जानते हैं। उनके अनुसार मॉनसून की ट्रफ लाइन जहां से गुजरती है आसपास खूब बारिश होती है। यूपी में ट्रफ लाइन ऊपर से गुजर रही थी तो कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इसके बाद ये ट्रफ लाइन खिसक कर राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे में एमपी के अलावा राजस्थान, उससे सटे गुजरात के जिलों में भी खूब बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ लाइन धीरे धीरे यूपी की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। जब ये यूपी के ऊपर आ जाएगी तो जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की काफी संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम राजधानी के मौसम की बात करें तो आपको बता दें, राजधानी में हल्की बूंदाबांदी होने से उमस बढ़ गई है। इससे लोग चिपचिपी गर्मी के साथ उमस भरी गर्मी से दिन भर परेशान रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक बारिश मयूर विहार में दर्ज की गई है। वहीं बूंदाबांदी होने से रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को हल्की बारिश होने का वही अनुमान जताया है। साथ ही एक दिन के ब्रेक के बाद बृहस्पतिवार को येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, साथ ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री के साथ ही न्यूनतम तापमान 37 डिग्री के साथ ही न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। वहीं रविवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। वहीं दिन भर बादल और सूरज के बीच लुकाछिपी का खेल चला। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके बाद तेज धूप निकल आई, इससे उमस भरी गर्मी और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज डे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।